हमने पढ़ा था कि लैंड रिकॉर्ड्स को कलेक्ट कौन करता है, रेवेन्यू को तहसीलदार करता है। तो तहसीलदार के क्या क्या फंक्शंस हो गए, टू हियर लैंड एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। तहसीलदार का काम होता है कि अगर किसी भी जमीन को लेकर कोई डिस्प्यूट हुआ है या लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उस झगड़े को सुलझाना तहसीलदार का काम है। टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारीज एंड टू सी दैट लैंड रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली कैप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। तो उनका काम है, तहसीलदार का काम है कि पटवारी के काम को चेक करें। और पटवारी का काम क्या होता है कि किसकी कितनी लैंड है उसका रिकॉर्ड बनाए और उस लैंड से कितना पैसा आता है उसका भी रिकॉर्ड बनाए। टू एंश्योर दैट फार्मर गेट अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट। तो उन्होंने कहा है ये तहसीलदार का ये भी काम होता है कि जितने भी फार्मर्स हैं उनकी लैंड की कॉपी उनके पास भी होनी चाहिए कि उनके पास जो है वो लीगल लैंड है इलीगल नहीं है, वो लैंड कितने एरिया में है, उस लैंड पे क्या कल्टीवेट हो रहा है, इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन जो है पटवारी के पास भी होनी चाहिए और वो पटवारी उसकी एक कॉपी फार्मर को भी देगा। और स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट देते हैं तहसीलदार, ये भी ध्यान रखता है कि स्टूडेंट के पास उसका कास्ट का सर्टिफिकेट हो, वेदर वो एससी है एसटी है या फिर किस जनरल कैटेगरी का है, तो इस तरीके के कास्ट सर्टिफिकेट भी तहसीलदार इशू करता है। सो ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग टुडेज क्लास एंड फर्दर टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। होप यू लाइक द वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।